भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश भर के पार्टी कार्यकर्ता हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने मंत्रियों के बीच विभागों का किया बंटवारा, कहा कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने पर होगा जोर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हेल्प डेस्क मैनेजरों को दिया गया प्रशिक्षण, राज्य के सभी मतदान केंद्रों का 19 से 21 फरवरी तक किया जाएगा सोशल ऑडिट। और दुमका का प्रसिद्ध राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव की शुरुआत, उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं दलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से नई दिल्ली में चल रहा है। बैठक में केंद्रीय मंत्री, पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राष्ट्रीय और राज्य पार्टी पदाधिकारी, सांसद और विधायकों सहित लगभग 11,500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। इस अधिवेशन में विकसित भारत की थीम पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सभी 10 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कार्मिक और गृह समेत वे सभी विभाग अपने पास रखे हैं जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। आलमगीर आलम को संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास, सत्यानंद भोक्ता को श्रम और उद्योग, रामेश्वर उरांव को वित्त और खाद्य आपूर्ति, दीपक बिरवा को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा परिवहन, बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य, बादल को कृषि, मिथिलेश कुमार ठाकुर को पेयजल और स्वच्छता तथा उत्पाद मद निषेध, बसंत सोरेन को पद और भवन निर्माण तथा जल संसाधन, हफीजुल हसन को अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन और पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग तथा बेबी देवी को महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का जोर जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने पर होगा। बंटवारा कर देंगे ताकि आज की ईद में जो काम जो हेमंत बाबू ने राज्य हित में योजना बना कर इसको बड़ा गति से हम लोग कम करेंगे। कल हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस खेमे के अंदर नाराजगी देखने को मिली। सरकार गठन के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने से कांग्रेस के करीब 12 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। विधायकों की इस नाराजगी को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इन सबों से कई घंटों तक बैठक की जो कि बेअसर रही। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये सभी विधायक जयपुर जाएंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के मंत्रिपरिषद में किसी दलित को शामिल नहीं किए जाने पर खेदजनक बताया है। उन्होंने कहा कि वैद्यनाथ राम को राजभवन द्वारा वारंट जारी होने के बाद मंत्री नहीं बनाना अपमानजनक है। उधर पार्टी विधायक कृष्ण कुमार दास ने कहा कि राज्य के दलित वर्ग को झामुमो, कांग्रेस और राज्य की सरकार ने ठगी और धोखा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का दलित विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। उधर आसू पार्टी ने भी कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना और महिलाओं की भागीदारी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि मंत्रिमंडल का स्वरूप सरकार की सोच, नीति और नियत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य की बड़ी आबादी जो पिछले 50 महीनों से नेतृत्वविहीन है, उन्हें एक बार फिर इस मंत्रिमंडल में निराशा हाथ लगी है। इधर सरकार और प्रदर्शनकारी किसान नेताओं के बीच अगले दौर की बैठक कल होगी। इससे पहले सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच हो रही बातचीत को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दूसरी ओर दिल्ली की सभी सीमाओं पर राज्य पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा है। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की वार्ता अब कल शाम को होनी है। इस बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच हो रही बातचीत को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से पूछा है कि आज वो जिन मुद्दों पर बात कर रही है उन पर पहले फैसले क्यों नहीं लिए गए। इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश
न किया जाए तो बेहतर है, पर कांग्रेस यदि इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो मैं यही कहूंगा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें आज सामने आ रही है, जब उनकी सरकार थी तो उस समय में इन सारे विषयों पर उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खाद पानी एमएसपी बैंकों से ऋण और मुआवजे के संबंध में नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए जितना काम किया है उससे अधिक किसी सरकार ने नहीं किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था और सार्थक चर्चा हुई है। खाद पानी एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय, मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, हमारे यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद एमएसपी के अंतर्गत यूपीए के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की हुई गेहूं धान दलहन तिलहन की, मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की हुई। इनके समय सिंचाई योजना बंद पड़ी थी, हमारे समय 15,511 करोड़ रुपए खर्च हुआ। यही नहीं, इनके समय बजट 27,662 करोड़ था, हमारे समय बजट 1,25,000 करोड़ एक साल का है, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपया एक साल का ज्यादा, 5 गुना ज्यादा बजट। राज्य सरकार किसानों, किसान समूहों और महिला स्व सहायता समूहों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की खरीद पर 5 लाख रूपये तक अनुदान देगी। कृषि विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के लिए 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इसके तहत किसानों को ट्रैक्टर के साथ 2 कृषि यंत्र लेना होगा। इसमें ट्रैक्टर पर 50 और कृषि यंत्रों पर 80% तक अनुदान मिलेगा। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली विवाद पर राजनीति काफी गर्मा गई है। इसे लेकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आमने सामने है, बल्कि एससी आयोग ने राष्ट्रपति से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार लगाई है। राष्ट्रपति से ये सिफारिश कर दी है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इसी बीच बीते कल संदेश खाली में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न और हिंसा से जुड़ा पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। उच्चतम न्यायालय संदेश खाली मामले की जांच अदालत की निगरानी में कराने और संबंधित मुकदमों को पश्चिम बंगाल से दिल्ली स्थानांतरित करने से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट संदेश खाली मामले पर सोमवार को फिर से सुनवाई करेगा। संदेश खाली क्षेत्रों की कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। ये महिलाएं टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रही हैं। वहीं टीएमसी नेता संदेश खाली के गांवों में घर घर जाकर उन महिलाओं की पहचान कर रहे हैं जिन्होंने यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज शाम मौसम उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। इसे नॉटी बॉय नामक रॉकेट के प्रक्षेपण किया जाएगा। यह प्रक्षेपण शाम 5:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 17 फरवरी को इनसैट 3DS अंतरिक्षयान को लॉन्च करेगा। इसरो के 16वें GSLV मिशन का उद्देश्य वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की वर्टिकल प्रोफाइल प्रदान करना है, साथ ही डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म से डेटा संग्रह और डेटा प्रसार क्षमताएं प्रदान करना और उपग्रह की सहायता से खोज और बचाव सेवाओं का भी दावा करना इसका काम है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक 3 चरण वाला 51.7 मीटर लंबा लॉन्च व्हीकल है जिसका लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान 420 टन है। पहले चरण में एक ठोस प्रणोदक मोटर शामिल है जिसमें 139 टन प्रणोदक और 4 पृथ्वी भंडारण योग्य प्रणोदक चरण L40 स्ट्रेपॉन है जिनमें से प्रत्येक में 40 टन तरल प्रणोदक होता है। दूसरा चरण GS2 भी 40 टन प्रणोदक से भरा हुआ एक पृथ्वी भंडारणीय प्रणोदक चरण है। तीसरा चरण क्रायोजेनिक चरण है जिसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन की 15 टन प्रणोदक लोडिंग होती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित GSLV F14 सेट TDS मिशन को मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी टिप्पणियों और भूमि और महासागर की सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में चालू इनसेट 3D और इनसेट 3DR उपग्रहों के साथ साथ मौसम विज्ञान सेवाओं को भी ये उपग्रह बेहतर बनाएगा। उपग्रह को तैयार करने में भारतीय उद्योगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनसेट 3DS उपग्रह भू स्थिर कक्षा से तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न विभागों जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा के
केंद्र और विभिन्न अन्य एजेंसियां और संस्थान बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए इनसैट 3DS उपग्रह डेटा का उपयोग करेंगे। डीडी न्यूज के लिए आयशा खानम की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कल दुमका के मसलिया प्रखंड के मसचोर पंचायत में एलईडी जागरूकता वाहन द्वारा केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों के बीच वर्ष 2024 के कैलेंडर का वितरण भी किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजधानी रांची में आयोजित हेल्प डेस्क प्रबंधकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कल समाप्त हो गया। इस दौरान हेल्प डेस्क मैनेजरों को जन शिकायत निवारण, सोशल मीडिया पेज न्यूज और आईटी के प्रयोग सहित कई तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया। इधर राज्य सभी मतदान केंद्र का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण 19 से 21 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान मतदान केंद्रों में उपलब्ध न्यूनतम सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान जंगल के टोटा थाना क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा लगाए गए 3 आईईडी बम को बरामद किया गया। वहीं गोइलकेरा के संडीबुरू में नक्सलियों द्वारा स्थापित एक पुराने कैंप को ध्वस्त कर दिया गया। कैंप से आईईडी बनाने की सामग्री और अन्य सामान बरामद किए गए। राज्य के नगरी थाना क्षेत्र में कल मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच हुई पथराव में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जिला प्रशासन ने इस झड़प के बाद इलाके में अगले आदेश तक धारा 144 लागू कर दी है। वहीं तनावग्रस्त क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। इधर जिले के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और अभी स्थिति को पुलिस नियंत्रण कर लिया गया है। इसके आगे बेहतर कार्रवाई के क्रम में बेहतर इंक्वायरी करवाई जाएगी कि आखिर इस घटनाक्रम के पीछे क्या वजह थी और आगे जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं उसे पत्थरबाजी में कर रहे हैं। उस वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस स्थिति को नियंत्रण दिया है पुलिस में। आम लोगों की एक पुलिस का घायल हुआ है, बाकी आम लोगों में भी जो है एक माइनर इंजरी सूचना है। बाकी सब कुछ हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कल मुख्यमंत्री वृंदा पेंशन योजना को लेकर जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैन के जरिए जिले के सभी इलाकों में लोगों को जागरूक किया जाएगा। सरकार सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से एक 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जाना है 20-21-22 फरवरी, जिसके अंतर्गत जो 50 से 60 वर्ष के अंतर्गत जो हमारी सभी वर्ग की महिलाएं हैं और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब SC ST के जो पुरुष हैं उनको पेंशन देने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। और इन 3 दिनों कैंप के अंदर हम ऐसे सभी लाभुकों को अपने NSAP पोर्टल में जोड़ेंगे, जिसके बाद उन्हें पेंशन का लाभ दिया जा सके। दुमका में संथाल परगना का गौरवपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास वाला सुप्रसिद्ध राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव शुरू हो गया है। वर्ष 1890 में शुरू हुआ यह मेला हर साल दुमका शहर से 4 किलोमीटर दूर हिजला पहाड़ी की ढलान और मयूराक्षी नदी के तट पर लगता आया है। हिजला मेला का शुरुआत अंग्रेज के जमाने में हुआ था। जब संथाल हुल हुआ था तो संथाल हुल में संथाल लोगों को तो हरा दिया अंग्रेज, लेकिन फिर भी अंग्रेज को समझ में आया कि ये लोग खुश नहीं है। तो हुल के बाद यहाँ एक बड़का पेड़ था, ये बरगद का पेड़, उसके नीचे मीटिंग करता था लोगों को समझाने के लिए। तो आदिवासी को जगाने के लिए बहुत तरह की यहाँ योजनाएँ चल रही है, लगा रही है। और इस मेला से हम आदिवासी समाज जनजाति का धरोहर है इस मेला में। इस मेले से हम लोग को बहुत सीखने को मिलता है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने राष्ट्रपति को झारखंड के गौरव जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा भेंट की। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंत्री परिषद विस्तार के बाद राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से उनके मोरहाबादी स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले मिथिलेश कुमार ठाकुर और बसंत सोरेन भी मौजूद थे।
दुमका स्थित सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कैंपस में आदिवासी महिला संसाधन केंद्र का उद्घाटन कुलपति डॉक्टर बिमल प्रसाद सिंह ने किया। इस मौके पर IAWS की सदस्य ममता कुमारी ने बताया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संगठन स्थापित किया गया है। झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ की ओर से देशव्यापी हड़ताल के तहत दुमका जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बाद में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम 18 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। राज्य सरकार एवं गुमला जिला प्रशासन के प्रयास से जिले के लगभग 1700 से अधिक घरों को पूर्ण रूप से सोलर बिजली की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी क्रम में जिले के विष्णुपुर प्रखंड स्थित बनारी पंचायत के परसापानी ग्राम में सोलर होमलाइट का अधिष्ठापन करते हुए 16 घरों को आच्छादित किया गया। रांची लोहरदगा सड़क में मनहो एवं हिरही के बीच हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया। गुमला जिला प्रशासन की ओर से गुमला पॉलिटेक्निक के सभागार में रोबोट जत्रा अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों के लिए 10 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। मौके पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि वैज्ञानिक सोच के साथ खेल खेल में टीम वर्क के साथ काम करना है, जिससे बच्चों में इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट पैदा हो सके। रामगढ़ जिले के मांडू अंचल अंतर्गत रौता वन क्षेत्र में लगे उद्योग पर कभी भी ताला लग सकता है। जिला प्रशासन ने पूरे वन क्षेत्र पर स्थापित हुए इंडस्ट्रीज को अवैध करार दिया है। इस क्षेत्र में ग्लोब स्टील और वैष्णवी स्टील के बाद बाकी अन्य प्लांट मालिकों की जमीन की जमाबंदी भी रद्द होने वाली है। रांची जिले के नगरी अंचल में मूर्ति विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा पर हुए हमले के बाद सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। वहीं रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने घटनास्थल का दौरा किया तथा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हजारीबाग जिले के लुपुंग पंचायत में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बढ़ते ठंड के बीच कंबल वितरण से जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशी देखी गई। मौके पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में कंबल वितरण करने का लक्ष्य है, जिसे हर हाल में पूरा करना हमारी प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री के हुनर है तो कदर है के सपने को साकार करने में इन दिनों पाकुड़ जिले की आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं जुटी हुई हैं। गांव की महिलाओं के उड़ान को पंख देने का काम भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कर रहा है। सब्जी खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, मशरूम, और अभी हमारा जो एक ट्रेड चालू हुआ है वो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है। इसका फोकस जो होता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण अपने स्वरोजगार के हेतु उनको ट्रेनिंग देना। और मैं ये कस्टम ज्वेलरी का ट्रेनिंग करने आई हूँ और ताकि मैं इससे अच्छे से सीख सकूँ और आगे जाके भी ये मतलब खुद से बना के बिजनेस कर सकूँ। चूड़ी सीखने के लिए हम लोग पहले बेरोजगार बैठे थे, अभी यहाँ आके कुछ सीख रहे हैं, आगे जाके रोजगार के लिए आगे बढ़ेंगे। पाकुड़ के उपायुक्त ने जिला स्तरीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर विद्यार्थी को अपने पाठ्यक्रम के अलावा ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से 40 किलोमीटर दूरी पर रेलवे लाइन से 4 शव बरामद किए गए हैं। चक्रधरपुर रेलमंडल अंतर्गत केंदपोसी और तालाबोह डाउन लाइन पर ये शव मिले हैं जो शत विशत हालत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव MyGov पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर 23 फरवरी तक भेज सकते हैं। राजधानी रांची समेत राज्यभर में पिछले 36 घंटे के दौरान कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में 28.2 मिलीमीटर सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आगामी 19 फरवरी तक राज्यभर में सुबह के समय कुहासे का असर रहेगा। केंद्र के अनुसार 21 और 22 फरवरी को आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे, हालांकि इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। 20 तारीख से आंशिक बादल छा सकते हैं। अगला दो दिन 16, 17, 18 न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज देखने। भारतीय वायुसेना आज जैसलमेर में अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन कर रही है, जिसमें वायुसेना के राफेल, सुखोई 30, हल्के युद्धक विमान तेजस, मिराज 2000 और मिग 29 सहित सभी प्रमुख लड़ाकू विमान निर्दिष्ट लक्ष्यों को मिसाइलों और बमों से भेद कर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।
कमेटी द्वारा भारतीय वायुसेना की दिन और रात में संचालित की जाने वाली आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना के साथ संयुक्त अभियानों का संचालन होगा। इस साल अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमानों को शामिल किया जा रहा है। अभ्यास वायुशक्ति में भाग लेने वाले अन्य विमानों में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, एमकेआई, जगुआर, हॉक, C-130J, चिनूक, अपाचे और MI-17B शामिल हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित सतह से हवा में पार करने वाली हथियार प्रणालियां, आकाश और समर घुसपैठ करने वाले शत्रुओं के विमान को ट्रैक करने साथ ही उसे मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे आदि महोत्सव आगंतुकों को काफी लुभा रहा है। यहां जनजातीय कलाकार चित्रकारी, मूर्तिकला और हैंडलूम कारीगरी के माध्यम से कलाकारों का संसार सजा रहे हैं। जो हमारे पेट की भूख मिटाता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी मेहनत की जाए, उसे खूबसूरत बनाया जाए तो कितनी सुंदर कलाकृतियों के रूप में नजर आ सकता है। ये ओडिशा के कलाकार हमें यहाँ बता रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी जनजातीय कलाकार है ओडिशा से, जो उड़िया में ही आपको समझाएंगे कि ये क्या बना रहे हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है। ये धाम से मूर्ति जहाँ तैयार है, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र, गणेश, सरस्वती, कृष्णा समस्त तैयार हुए है। दानवर तैयार है, सूता, बांसो, तम सब तैयार हुए है। कितने दिन लगते हैं इसको पूरा बन जाने? ये बड़ा वाला तो 5 दिन हुआ है, तापर छोटा 1 दिन नहीं हुआ है। तमिलनाडु के एक कलाकार, एक जनजातीय कलाकार हमारे साथ मौजूद है। दिस इज अ हैंडलूम मटेरियल, दे आर यूजिंग नीडल्स एंड वुलन थ्रेड्स फॉर ईच ट्रेडिशनल थिंग लाइक फ्रॉम बर्थ टू डेथ। वी आर यूजिंग ओनली दिस मटेरियल्स, वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर थिंग्स लाइक अदर क्लॉथ्स और समथिंग। आई एम डूइंग अ बड़ा मॉडल, वी आर लिविंग द सेम टाइप ऑफ हाउस, सो दे वी वांट टू मेक अ सेम टाइप ऑफ हाउस फॉर स्मॉल फॉर एवरी कस्टमर्स। By selling this one, we used madras and bamboos for making this product. हम लद्दाख से artisans लेके आए मैं, तो हमारे यहाँ पर अभी इनका प्रोडक्ट है लाइक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड इवन हमारे पास इनका निटिंग सिस्टम, निटिंग का प्रोडक्ट है हमारा। असम का सिल्क और असम की सिल्क की साड़ियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वर्णाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो खूबसूरत असम की साड़ियाँ लेकर आई है। मैं आपका तसर सिल्क का, मलबरी सिल्क, एरी, ये एरी सिल्क का स्टॉल है, ये नेचुरल लाइक किया हुआ है और उसमें जो काम किया हुआ है वो मुगा घिसा से किया हुआ है। हाँ, और ये सेम ये है आपका टसर सिल्क का साड़ी, बट इसमें जो काम किया हुआ है नेचुरल डाई से, ये आपका मतलब एरी से किया हुआ है जितना भी है। मध्य प्रदेश के जिंजोरी के कलाकार हैं, जो बॉन्ड आर्ट यहाँ पर लेकर आए हैं। बड़ी खूबसूरत लगती है प्रकृति इनके रंगों में। मेरा नाम छोटी टकाम है, आज मेरे को 20 साल हो रहा है ये काम। हम जैसे पक्षी भी देखते हैं तो उस पक्षी के हाव भाव को देखकर हम मन में उसके प्रति गाना भी बना लेते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देशभर के पार्टी कार्यकर्ता हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री चंपारण सोरेन ने मंत्रियों के बीच विभागों का किया बंटवारा, कहा कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने पर रहेगा जोर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हेल्प डेस्क मैनेजरों को दिया गया प्रशिक्षण। राज्य के सभी मतदान केंद्रों का 19 से 21 फरवरी तक किया जाएगा सोशल ऑडिट। और दुमका का प्रसिद्ध राजकीय जनजातीय हिजदा मेला महोत्सव की शुरुआत, उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम।